जनपद सभी थानों पर विवेचना के कारण लंबित मुकदमों के निस्तारण के उद्देश्य से एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक रिजर्व पुलिस लाइन स्थित पुलिस मेज के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, सीओ कैंट प्रभात राय, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, सीओ खजनी रचना मिश्र, सीओ कोतवाली बीपी सिंह सहित सभी थानों के प्रभारी व विवेचक मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी निक्रमवार लंबित पड़े सभी मुकदमों पर अब तक की गई कार्रवाई और विवेचना की स्थिति से रूबरू हुए और कारणों की तलाश करके उसके निस्तारण के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि विवेचना अपनी जिम्मेदारी को समझें और लंबित मुकदमों का जल्द से जल्द निस्तारण करें। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, ये एक विशेष वर्कशॉप है जिसमें हम ये कर रहे हैं जो पुरानी योजनाएं जो मुश्किल है जो योजनाएं हल नहीं हो रही है उनके लिए वर्कशॉप है। आज बुलाया गया है जो बहुत पुरानी योजनाएं साल साल भर से ऊपर है, 2 साल की हो रही है, ऐसी योजनाएं छाटी गई हैं जिनका केस का समाधान नहीं हो पा रहा है। फिर वो बाद में झगड़े की तरह होते हैं, कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं बात है, कहीं कुछ है। उन केसेस की समीक्षा एक एक एफ आई आर की समीक्षा के लिए बुलाई गई है जो ज़्यादा लंबी समय ज़्यादा समय से आपको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, एक मिनट और बढ़ा लीजिए और बचे हुए लोग भी आ जाए। गोरखनाथ से मैंने शुरू कर दिया है, अब आपके पीछे वाले अपना नाम बताइए आप कितने दिन में खत्म करने वाले हैं, जिससे अगली मीटिंग में मुझे आप नाम बुलाना पड़ेगा। नाम बताइए अपना, आपके पास एक है तीन है जी। आज ये विवेचकों की मीटिंग थी, सभी थानों के जो मेन विवेचक हैं जिनके पास ज़्यादा लंबित संख्या में विवेचनाएं हैं उनको आज पूरा संकलित करके बुलाया गया था और उनसे बातचीत करी गई और उनको शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही कुछ विवेचनाएं जो तकनीकी कारणों से एफएसएल और उनकी भी गलती नहीं होती, कई बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है, कुछ बहुत मुलजिम फरार होता है तो उनकी भी समस्याएं जानने के लिए एक बड़ा सा आज आयोजन किया गया था कॉन्फ्रेंस, जिसमें तकरीबन 150 के आसपास हमारे विवेचक सम्मिलित हुए थे। सबका सभी थानों का हमने आज हिसाब लिया विवेचनाओं का और उम्मीद है कि हमें विवेचनाओं में क्वालिटी वाइज सुधार की जो है हमें ज़रूरत है, जो हम करेंगे और लोगों को इससे और निष्पक्ष और जल्दी न्याय मिलेगा।